गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, आई एम माधवी, योर असिस्टेंट टीचर. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर रिमेनिंग चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, ग्रीनलैंड, द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो. पेज नंबर 33, लाइफ ऑफ द पीपल. ग्रीनलैंड के जो लोग थे उनकी लाइफ कैसे थी, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड वर नॉन एज इस्किमोस. जो वहाँ के मूल निवासी थे, जो ट्राइब्स वहाँ पे रहती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? इस्किमोस कहा जाता था. द वर्ड इस्किमो मीन्स ईटर ऑफ रॉ मीट. जो वर्ड है इस्किमो, इसका मतलब क्या था? कच्चे मांस को खाने वाला, या जो लोग कच्चा मांस खाते थे. क्योंकि आपको पता है, पहले के टाइम के जो लोग थे ना, उन्हें ये नहीं पता था कि खाना पका कर खाया जाता है. वो जानवरों को मारते थे, शिकार करते थे उनका, और ऐसे ही जो उनका कच्चा मांस था वो खा लेते थे. तो कच्चा मांस खाने वाला इस्किमो का मीनिंग होता है. नाउ दीज पीपल आर नॉन एज इनुट. आजकल इन लोगों को क्या कहा जाता है? इनुट. दे आर शॉर्ट एंड शॉर्ट विथ स्ट्रेट ब्लैक हेयर, नैरो ब्लैक आईज एंड ब्राउन स्किन. ये जो लोग हैं वो कैसे होते थे? छोटे होते थे. इनकी जो हाइट होती थी वो बहुत छोटी होती थी, और ब्लैक हेयर होते थे, नैरो ब्लैक आईज होती थी. जो इनकी आईज थी वो नैरो होती थी और ब्लैक होती थी, ठीक है. एंड ब्राउन स्किन, इनकी जो स्किन थी वो कैसी होती थी? ब्राउन होती थी. टुडे द पीपल हु लिव इन ग्रीनलैंड आर नॉन एज ग्रीनलैंडर्स. आज के टाइम पे जो लोग ग्रीनलैंड में रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रीनलैंडर्स कहते हैं, ठीक है. द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ग्रीनलैंड आर ग्रीनलैंडिंग एंड डैनिश. वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? ग्रीनलैंडिंग एंड डैनिश. मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक बोथ लैंग्वेज. ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन जो इंग्लिश है वो भी वहाँ पर थर्ड लैंग्वेज के रूप में यूज़ की जाती है, ठीक है. दो लैंग्वेज तो ये हो गई, ग्रीनलैंडिक और डैनिश, और जो हमारी थर्ड लैंग्वेज है वो क्या हो गई? इंग्लिश हो गई, ठीक है. इवेंजेलिकल लूथरन इज अ रिलीजन ऑफ पीपल ऑफ ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड में जो लोग रहते थे उनका रिलीजन मीन्स क्या होता है? धर्म. उनका धर्म था इवेंजेलिकल लूथरन. द पीपल गेट देयर फूड एंड क्लॉथिंग मेनली फ्रॉम सीड. दे मेक देयर क्लॉथ फ्रॉम द स्किन एंड फर ऑफ एनिमल. जो लोग थे वहाँ के, उनके कपड़े किस चीज़ से बने होते थे? वो अपने कपड़े किस चीज़ से बनाते थे? एनिमल्स की स्किन और उनके फर से. फर मींस आप उनके जो ग्रीनलैंड में जो एनिमल्स होते थे, वहाँ के एनिमल्स पे फर होते थे, ताकि वो अपने आप को वहाँ की कोल्ड से, वहाँ की कूलनेस से प्रोटेक्ट कर सकें. तो उनके फर से क्या बनाए जाते थे? क्लॉथ बनाए जाते थे. दे वियर ट्राउजर्स विद जैकेट एंड लॉन्ग बूट्स. वो क्या करते थे? ट्राउजर पहनते थे, उनकी लॉन्ग जैकेट होती थी, और उनके जो बूट्स थे, बूट्स मीन्स शूज, वो भी लॉन्ग थे. मैं आपको पिक्चर में दिखाऊँ, आप ये देख सकते हैं, इन्होंने लंबा सा कोट पहना हुआ है, नीचे ट्राउजर है, और इनके जो बूट है यानी कि शूज़ है वो भी लॉन्ग है. सर पे इन्होंने हुडी रखी होती थी, जिसे कि जिसे हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम कैप कह सकते हैं. वो लोग क्या कहते थे इसको? हुडी कहते थे, ठीक है. देयर जैकेट विद हुड्स इज कॉल्ड पार्का. ये उनकी जो जैकेट्स होती थी हुड्स के साथ, उनकी जैकेट को क्या कहा जाता था? पर्का कहा जाता था. इस्किमोस लिव इन इग्लूज. इग्लूज आर द हाउसेज मेड ऑफ आइस. इस्किमोस जो थे वो कहाँ पे रहते थे? जैसे हम लोगों का अपना अपना घर होता है, किसी का विकास नगर में, किसी का जनकपुरी में, किसी का कहीं है, सबके अपने अपने घर होते थे, ठीक है. तो उनके जो घर होते थे वो बर्फ से बने होते थे, जिसको हम क्या कहते थे? इग्लूज कहते थे. उनके बर्फ से, वुड से, स्टोन से, एनिमल की स्किन से, इन सब से उनके घर बने होते थे. इन विंटर्स दे यूज थिक ब्लॉक ऑफ आइस टू मेक इग्लूज. विंटर के टाइम पे वो क्या करते थे? थिक आइस की जो ब्लॉक्स होती है उनका यूज़ करते थे इग्लूज को बनाने के लिए. पीपल इन समर सीजन लीव इन स्किन टेंट्स कॉल्ड टू पिग्स. जो समर में क्या होता था, गर्मी के टाइम पे जो इस्किमोस थे वो स्किन टेंट्स में रहते थे, जिन्हें हम क्या कहते थे? टू पिक्स कहते थे, ठीक है. तो ये था हमारा चैप्टर कि वहाँ के लोगों की जो लाइफ है वो कैसी है. कल हम इसके ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ेंगे. कल हमारा लास्ट डे होगा इस चैप्टर के साथ. देन वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर.
सो आपका होमवर्क क्या है, आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा. जो भी डाउट होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे. थैंक यू.